एचएसवीपी सेक्टरों में पार्किंग और चार फ्लोर बनाने पर रोक लगाई गई है। अगले आदेशों तक पार्किंग और चार फ्लोर बनाने पर रोक लगाई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है और अध्ययन के लिए सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। अध्ययन के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर, अध्ययन के बाद अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा। एचएसवीपी सेक्टरों में पार्किंग और चार फ्लोर बनाने पर रोक लगा दी गई। अगले आदेशों तक पार्किंग और चार फ्लोर बनाने पर रोक लगाई गई है। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान किया और अब अध्ययन के लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी भी इस पर बना दी गई। पहले ही इस पे अपना वर्कआउट कंप्लीट करना था, तब इसको स्टार्ट करना था। अब मान लीजिए कि जिन्होंने आज एक प्लॉट परचेज कर लिया है चार फ्लोर सोच के, वो लोग कहाँ जाएंगे? रहा दूसरा कि जो सरकार ने इंफ्रा के नाम पे, एफएआर के नाम पे जो 100 करोड़ रुपए पर सेक्टर के आसपास सरकार के पास गया है, उसको आज तक कहाँ इंफ्रा में यूज़ किया है? और दूसरा, क्या ये पैसा वापस होगा लोगों का? चौथा फ्लोर अब सरकार बंद कर रही है और नोटिफिकेशन कल मिला है, उससे पूरे बाजार में निराशा का माहौल बना हुआ है और पूरा बाजार कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की प्लॉटों में लग गई है और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डर्स फ्लोर बनाकर सेल कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी मात्रा में प्लॉटों की परचेजिंग की हैं और अचानक से फ्लोर जो रुका है उससे उनके दाम भी प्लॉट के गिर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर की बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, देखिए गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रोंग है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, दिल्ली से तो फा फा बेटर है और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मुद्दा बनाया गया है फ्लोर को बंद करने के पीछे, तो मेरे को लगता है ये बहुत जल्दबाजी है।